वाहे गुरु, तो दोस्तों दिवाली खत्म हो चुकी है और दिवाली के बाद अगले दिन आप पॉल्यूशन लेवल देखेंगे दिल्ली एनसीआर का। आप गुड़गांव में आप देख सकते हैं इफ्को चौक के आसपास कितना ज़्यादा पॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। हम जा रहे हैं दिल्ली बगला साहब और वहाँ की वीडियोज के लिए हम दिल्ली के लिए मेट्रो स्टेशन तक जा रहे हैं। तो दोस्तों सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन से हम जैसे ही मेट्रो में बैठे हमने वीडियो बनाना पॉल्यूशन का वीडियो बनाने के लिए वीडियो कैमरा ऑन किया, तो आप देख सकते हैं 349 2.5 PM जो एयर क्वालिटी का इंडेक्स का दिखा रहा है वहाँ पे, और इतना ज़्यादा पॉल्यूशन जो नॉर्मल होता है उससे बहुत ज़्यादा हाई डेंजरस सिचुएशन में इस टाइम पे दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन लेवल बढ़ चुका है। दोस्तों अभी हम राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे और जा बाबा बंगला साहब और फिर जाएंगे पालिका बाजार को शॉपिंग करने। तो अभी हम राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे उतर गए हैं और अब चल रहे हैं। तो अभी हम शिवाजी मेट्रो स्टेशन शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन के बाहर और सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है बंगला साहिब जाने के लिए, तो आप यहां से भी आ सकते हैं। और दूसरा स्टेशन है राजीव चौक, तो राजीव चौक और शिवाजी स्टेडियम दोनों ही पास में हैं, तो आप कहीं से भी आ सकते हैं। आपको सर ढक के ही गुरुद्वारे के अंदर जाना होता है। गुरुद्वारे के अंदर हमने एंट्री ले ली है और बहुत ही खूबसूरत और काफी बड़े एरिया में फैला हुआ एक गुरुद्वारा है, आप देख सकते हैं। तो जैसे ही आप गुरुद्वारे के अंदर एंट्री लेते हैं तो आपको साइड में ही लेफ्ट साइड में ही अपने शूज उतारने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आप जगह है रखने के लिए और वहाँ से टोकन ले सकते हैं आप। उसके बाद ऊपर आके हैंड वॉश करके आप गुरुद्वारे में एंट्री ले सकते हैं। तो आप चारों तरफ नज़र दौड़ेंगे, बहुत ही साफ सफाई, आपको सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा ही आपको गुरुद्वारा मिलेगा और सबसे बड़ा गुरुद्वारा है ये यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखेंगे चारों तरफ आपको बहुत ही सफाई मिलेगी और बहुत ही बड़ा सा और बहुत ही खूबसूरत सा आपको यहाँ पे फील होगा। और आप पीछे का एरिया देख सकते हैं, बहुत सारे लोग पूरे यहाँ पर आते हैं, काफ़ी दूर दूर से भी आते हैं और पूरे दिल्ली एनसीआर के लोग तो लगभग आते ही हैं। 30 से 35 और 40,000 तक के लोग डेली यहाँ पे आते हैं। पाता तार रही।
बैक साइड में एक गेट से आप जब बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत ही खूबसूरत सा इस साइड के नज़ारे दिख रहे होंगे। बहुत भीड़ है यहाँ पे, और नीचे पीछे पानी आपको दिख रहा होगा, आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरी भीड़ है। और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत से गुरुद्वारे के दर्शन होते हैं, और यहाँ का व्यू देख सकते हैं कितना खूबसूरत, और लोग यहाँ पे कितने सारे आते हैं। और छुट्टी के दिन आप नॉर्मली लगभग लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा कम हुआ है भीड़, लेकिन वैसे नॉर्मली यहाँ पे 30,000 से 40,000 लोग डेली विजिट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप बहुत सारा आप भीड़ देख सकते हैं, और पीछे के नज़ारे आप देखिए कितने खूबसूरत से आप यहाँ पे नज़ारे हैं। और जब आप बिल्कुल सामने की तरफ चले जाते हैं तो यहाँ से गुरुद्वारे का आप दर्शन देखिए, आप कितने खूबसूरत से आपको दर्शन देखने को मिलते हैं, और पीछे का नज़ारा भी बहुत ही खूबसूरत सा आपको देखने को मिल जाता है। काफ़ी लोग यहाँ पे फोटोज़ वगैरह खिंचवाने आते हैं, आप देख सकते हैं पीछे। और मेरे साथ है राहुल, रविंदर, रेश, सुमित, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत से नज़ारे आपको देख सकते हैं, और इतना सुकून मिलेगा आपको यहाँ पे आके, तो आप यहाँ पे ज़रूर आ सकते हैं। और अब चल रहे हैं हम प्रसाद लेने। यहाँ पे आपको अपने अमाउंट कुछ अमाउंट देना होता है प्रसाद के लिए, और अपना प्रसाद लेके आप यहाँ पे, यहाँ से टोकन मिलता है आपको, और फिर दूसरी लाइन में लग के आपको टोकन दे के अपना प्रसाद लेना होता है, और उसके बाद हम यहाँ से प्रसाद लेके चलेंगे लंगर खाने। लंगर की प्रथा गुरु नानक देव जी के टाइम से ही चली आ रही है, और इस प्रथा का सबसे अच्छा पहलू है कि यहाँ पे एकता और प्यार के भाव से यहाँ पे सबका सम्मान होता है, चाहे आपके जेब में पैसे हो ना हो, सब मिलके यहाँ पे अमीर गरीबी सब कुछ यहाँ पे पीछे रह जाता है, और सब में आपस में प्यार बांटा जाता है। और यहाँ पे रोज़ाना 30,000 से 40,000 लोग रोज़ाना यहाँ पे आते हैं और लंगर करते हैं, और सबसे बड़ी बात इसके लिए यहाँ पे पूरी व्यवस्था होती है लंगर के लिए, और आपस में सभी मिलके यहाँ पे बहुत ही प्रेम से प्रसाद ग्रहण करते हैं। लंगर खाने के बाद हम निकल गए बाहर, और अब जा रहे हैं अपने जूते लेने। तो दोस्तों आप बाहर निकल चुके हैं बंगला साहिब गुरुद्वारे से, और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग में और इंटरेस्टिंग से ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना प्यार बनाइए रखिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आते रहेंगे।